हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 की है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 में मैं आज आपको क्या बताऊंगा, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही खास फॉर्मूला जिसका नाम है एक्स लुकअप। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और पोस्ट दिया हुआ है। अब ये तो एक छोटी सी रेंज है, ये रेंज काफी बड़ी भी हो सकती है। और यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और पोस्ट वही सेम चीज लिखी हुई है और यहाँ एक एम्प्लॉई का नाम लिखा हुआ है। इस एम्प्लॉई के नेम के बेस पे इनका पोस्ट हमें फाइंड करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक्स लुकअप की मदद से ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इज इक्वल टू एक्स लुकअप लगा देते हैं, तो ये लगा दिया इज इक्वल टू एक्स लुकअप। अब इस वाले नाम को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दे दीजिए। ये जो एम्प्लॉई नेम है ना, हेडिंग को छोड़कर के पूरा एम्प्लॉई नेम आप सेलेक्ट कर जाइए ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा एम्प्लॉई नेम हो चुका सेलेक्ट, ठीक है। आगे क्या करना है, जैसे ही एम्प्लॉई नेम को सेलेक्ट करेंगे तो कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा देने के बाद इनका पोस्ट भी सेलेक्ट कर लेना है हमें। तो चलिए पोस्ट को भी क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पोस्ट भी चलिए कर लिया है मैंने सेलेक्ट। अब हमको क्या करना है, हमको किसका पता करना था, लोकेश का पोस्ट पता करना था ना। अब इसको बंद करिए और प्रेस कर दीजिए सीधा एंटर। तो यहाँ पर देखिए लोकेश का जो पोस्ट है वो क्लर्क का है, तो यहाँ पर आप चेक करिए, राम का कैशियर, श्याम का बैंक स्टाफ, मनोज सिंह ये मैनेजर हैं, ईशा यादव क्लर्क, हीना खान बैंक स्टाफ, रुबीना मैनेजर, लोकेश क्लर्क, यानी बिल्कुल सही आया है। इसी तरीके से लोकेश की एम्प्लॉई आईडी पता करनी है, एक्स लुकअप लगा लीजिए। लगा लिया, हमको किसका पता करना है, लोकेश का। तो लोकेश को सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, एम्प्लॉई आईडी वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले ये एम्प्लॉई नेम वाला हिस्सा सेलेक्ट कर दीजिए। कर लिया, कॉमा दे देंगे और यहाँ से अब एम्प्लॉई आईडी वाला हिस्सा सेलेक्ट करिए और बंद करिए और इंटर कर दीजिए। तो देखिए इनकी जो एम्प्लॉई आईडी है ना लोकेश की, वो है 2121। तो यहाँ देखिए 2121 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा कमाल देखिएगा, यहाँ से अगर मैं लोकेश को हटा देता हूँ, यहाँ पे कोई और नाम लेके आ जाता हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक नाम लेके आता हूँ ईशा यादव, तो यहाँ पे लिखा ईशा यादव, ये इस तरीके से लिख दिया और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ ईशा की एम्प्लॉई आईडी आ जाएगी और ईसा की पोस्ट भी आ जाएगी। चलिए कुछ और चेंज करके देखते हैं, जैसे राम कुमार लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं राम कुमार। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आया, देखिए राम कुमार का पोस्ट और उनकी इंप्लॉई आईडी आ गई, तो है ना कमाल का। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।